हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। आज हम बात करेंगे कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है और ये हमें कैसे एनर्जी देता है, हमारी बॉडी में स्टोर कैसे रहता है, और इसके अलावा जो लिपिड है इसके फंक्शन क्या हैं, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारी आउटलाइंस है टॉपिक के बारे में, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिपिड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड्स के जो टाइप्स होते हैं, डाइजेशन कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन कैसा होता है लिपिड का, और कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कैसे होता है, और जो उसका फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो किस प्रकार होता है, उसके जो हम पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होती हैं। जो लिपिड्स होती हैं ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती हैं, उनके द्वारा ये बनती हैं, और जनरली ये वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं, लिपिड्स उनके अंदर ये मिक्स हो जाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर, बेंजीन, ये सब ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनमें लिपिड्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, और इसके अंदर जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला है माइनस COOH, ये इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ लिपिड, यानी कि हमारी बॉडी में जो लिपिड होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। जो भी हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो लिपिड के द्वारा बनता है, और जो इंट्रा सेलुलर स्टोरेज के रूप में जो ये लिपिड होता है वो मेटाबॉलिक फ्यूल के रूप में वहाँ पे काम आता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है तब जो है हमें ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और ये एक तरह से यहाँ पे मेटाबॉलिक फ्यूल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लेके जाता है, और एक तरह से ये जो है हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन करता है बहुत सारे बैक्टीरिया से, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, और एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट होते हैं, इन सब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके सब के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, और इससे हमें ये प्रोटेक्शन भी देता है। यह एक रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है और ट्रांसपोर्ट करता है ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। एक ये रिसेप्टर के रूप में काम करता है, जो हमारे नर्व एंडिंग में मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये एक तरह से रिसेप्टर का काम करता है, और जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी होती है उसको भी ये डिटरमाइन करता है, उसको भी ये फंक्शन करने में वहाँ पर ये यूज होता है, और इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उसका कोफैक्टर जो है वो लिपिड के द्वारा बनता है, और एज ए कोफैक्टर वहाँ पर ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में। फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे आगे हम, जो इसमें लिखा है अकर्स मेनली इन द लीवर एंड द एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो हमारा फैटी एसिड होता है वो मेनली लीवर और एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है जो इसका लैक्टेशन के दौरान जो है ये मैमिलरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है, और जो फैटी एसिड है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फैटी एसिड का सिंथेसिस जो है वो डिग्रेडेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है इसका एक सेपरेट पाथ टू कम्प्लीटली सेपरेट पाथवे होते हैं इसके, जो हम आगे आपको बताएंगे। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, मतलब इसके बाद जो है हमारा जो फैट होता है, जो फैटी एसिड होते हैं वो क्यों एसिटाइल रूप में चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो है इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे हमें जो एनर्जी है वो इसके द्वारा हमें वहाँ पे मिलती है। ये थ्री स्टेज होते हैं फैटी एसिड के सिंथेसिस के। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटल को एंजाइम इंटू साइटोसोल, यानी कि पहला जो है वो साइटोसोल में होगा, उसके बाद कार्बोलेशन ऑफ द एसिटल को एंजाइम, और असेंबल ऑफ फैटी एसिड चेन, वो चेन के रूप में बनता है। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल को एंजाइम टू द साइटोसोल, पहले ये साइटोसोल में बताएगा,
कि जो हमारा एसिटल को एंजाइम होता है उसका कैटाबॉलिज्म जो है वो होता है साइटोसोल में, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं वहाँ पर, वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो है वहाँ पे साइट्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं। साइटो जो इसमें साइटोलोडी जो एंजाइम होता है NADH होता है, और ये कन्वर्टेड हो जाता है NADPH में बदल जाता है। टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होते हैं ATP के, ये मतलब इस पाथवे में यूज होने के लिए ये दोनों यूज हो जाते हैं, दो ATP, और इसको हम ये जो है एक तरह से राउंड चलता रहता है साइक्लिक पाथवे में। यहाँ पे ये इसमें बताया हुआ है कि सोर्स ऑफ NADPH फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, इसके जो हमारा ये बनेगा इसमें कैसे ये मैंने कैसे वहाँ पर वो यूज होगा। जो एक मॉलिक्यूल है NADPH का वो जनरेट होता है हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा, जो एसिटल कोएंजाइम यहाँ पर बनता है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टोल में, जिसको मॉलिक एंजाइम के रूप में यहाँ पे देते हैं। सेकंड जो NADPH मॉलिक्यूल होता है ये आता है हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको बोलते हैं PPH। तो ये यहाँ पे दिखाया है साइटोसोल है, ये साइट्रेट में जो ऑक्सलोसिटेट, ये पूरा यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पर इसको ATP यूज होता है और कैसे हमारा एंजाइम जो है यहाँ पर बनता है। ये बी पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम। इसका मतलब होता है जो एसिटल कोएंजाइम कार्बोक्सी जो एसिड होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम है बायोटिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो उसमें जो किस दूसरे के साथ में वो जुड़ जाता है, वहाँ पे काम करता है। तो इसमें SCO3 जो है ATP के साथ यहाँ मिलेगा और ATP प्लस जो फॉस्फेट बनेगा, एंजाइम जो है बायोटिन है वहाँ पर ये यूज होगा और फाइनली एसिटल कोएंजाइम यहाँ पर बन जाएगा। एक कार्बोक्सी बायोटिन जो है वो क्या करता है, इंटरमीडिएट होता है इसका, और बाद में जो ATP जहाँ पे हाइड्रोलोज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रुप होता है कार्बोलिक्शन के द्वारा वो ट्रांसफ़र हो जाता है एसिटल कोएंजाइम में, और उसके बाद मोनोलाइल कोएंजाइम में जो बदल जाता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हम जो थर्ड पॉइंट है, द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, इसके बीच में क्या रिएक्शंस होती है। इसमें 5 जो हमारे सेपरेट स्टेज होती हैं, पहला है लोडिंग ऑफ प्रीकर्सर बाय थायोस्टर और डेरिवेटिव्स, कंडेंशन ऑफ द प्रीकर्सर, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन। ये जो है यहाँ पर इसमें डायग्रामेटिक जो है रिएक्शंस बताई हुई हैं, इसमें स्टेप में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये स्टेप हैं, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे एंजाइम जो है ये यूज होते हैं, जिसका नाम है एसिटल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल ट्रांस एसिलेज और मेलोनाइन ट्रांसफरेज, एसाइल मोनाइल ACP कंडेंसेशन एंजाइम, और बीटा कीटोसाइल ACP रिड्यूस्टेट, ये सारे एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं। इसके दौरान जो फैटी एसिड सिंथेसिस होगा, जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगे वो आपस में लिंक हो जाएंगे, वहाँ पे प्रोटीन के साथ में लिंक होंगे, जिनको एसाइल कैरियर यानी कि प्रोटीन के नाम से जानते हैं ACPSH, एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो उसको लेके जाएगी, कैरियर के रूप में काम करेगी, और फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर ये यूज होगा। जो इसमें पेंटोथिनिक एसिड जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है ACP का, और इंटरमीडिएट जो इसमें बायोसिंथेसिस पाथवे होता है वो इसके साथ में जुड़ के चलता है, जिसको सल्फाइल ट्रांसफरेज फॉस्फेट के नाम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये कोएंजाइम के रूप में है और पूरी की पूरी साइकिल यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ACP, यहाँ पे इसको बोलते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो इसको यहाँ से लेके जाएगी। यहाँ पे इसको बताया इलोंगेशन फेज क्या होता है फैटी एसिड का, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल ACP और मोनोलाइन ACP। एसिटाइल जो ट्रांसफरेज जो होता है वो मोनाइल ट्रांसफरेज जो को यहाँ पे कैटालाइज करता है, वो 3 रिएक्शंस होती हैं जो इसमें नीचे दी गई हैं, ये तीनों रिएक्शंस यहाँ पे पार्ट प्ले करती हैं। इसमें जो इलोंगेट फेज होता है फैटी एसिड का वो इसमें स्टार्ट हो जाता है और ये आगे जो है इसमें यूज होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शंस का मतलब होता है जो एसिटल ACP और जो मेलोनाइन ACP है वो रिएक्ट करता है एसिटो एसिटाइल ACP के साथ में, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो एसाइल मोनाइल ACP कंडेंसिंग एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, और ये डायग्रामेटिक जो है इनके तीनों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, और ये बीच में यहाँ पे कंडेंसेशन है यानी कि CO2 और ACP यहाँ से बाहर निकल रहा है। रिडक्शन बता रखा है यहाँ पे कि जो हमारा एसिटो एसिटाइल जो ACP होता है वो रिड्यूस हो जाता है D3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल ACP के रूप में,
यहाँ पे जो NADPH होता है ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो एंजाइम होता है कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज, यहाँ पर ये हेल्प करता है। और ये जो रिएक्शन जो होती है इसमें रिडक्शन के रूप में यहाँ बताया हुआ है कि NADPH जो है एंजाइम है वो NADB में बदल जाता है। ये डिहाइड्रेशन है, यहाँ से पानी को हमें रिमूव करना है। इसमें D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल जो ACP है वो डिहाइड्रेशन होने के बाद में वो कोरोटोलाइन ACP में बदल जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है 3-हाइड्रोक्सिल ACP डिहाइड्रेट जो है यूज होता है, और ये इसका जो केमिकल जो इसका फॉर्मूला है वो यहाँ पर इसमें बताया हुआ है। रिडक्शन, इसमें फाइनल जो हमारा स्टेप होता है रिडक्शन का, इसमें जो रिड्यूस हो जाता है ACP और ब्यूटाइल ACP में बदल जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है NADPH ये रिडक्टेंट का काम करता है, और इनाइल ACP जो रिडक्टेज का काम करता है। और ये है जो इसमें फर्स्ट यहाँ पे इनलोगेशन होती है साइकिल में, जिसको फर्स्ट राउंड के नाम से जानते हैं, एटोमिनाइल ACP और ब्यूटाइल ACP। और यहाँ पे जो रिडक्शन होता है NADPH और NADP में बदल जाता है। जो सेकंड हमारा राउंड होता है उसमें ब्यूटाइल ACP जो है वो कंडेंस होके वो मेनोइल ACP से ले और C6-beta कीटोइल ACP में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन डिहाइड्रेशन और जो सेकंड रिडक्शन कन्वर्ट जो होता है वो C6-beta कीटोइल ACP में बदल जाता है, और लास्ट में C6-SIL ACP जो कि तैयार होता है थर्ड राउंड में इलोंगेशन में जाने के लिए। फाइनल रिडक्शन होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस की, वो होती है यहाँ पे कि ये कंटिन्यू चलता रहता है C16 पाल्टीमोबाइल ग्रुप जो ग्रुप बनता है फॉर्म होता है, और पाल्टीमोबाइल ACP जो है यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज करता है थायोट्रेस के रूप में। और ओवरऑल जो रिएक्शन जो पाल्टीमेनाइन सिंथेसिस होता है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम और मोनोलाइनिक कोएंजाइम के द्वारा वो रिएक्शंस में यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीनेशनल एंजाइम होते हैं, यहाँ पे मल्टी फंक्शन एंजाइम होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स के रूप में जो है ईयूकैरियोट्स के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, जिनका सिंथेसाइज होता है, जिनका यहाँ पे इनको बारे में यहाँ पे सब यूनिट के बारे में बताया हुआ है। हर एक जो सब यूनिट होती है उसमें तीन डोमेन्स होते हैं। ACP जो है लोकेट होता है डोमेन 2 में। डोमेन 1 जो कंटेन उसमें ट्रांसलेजेट कीटो एलिसिपू और सिंथेसिस होता है, और डोमेन जो 2 है इसमें होता है यहाँ पे एसाइल कैरियर प्रोटीन ACP बोलते हैं इसको, और डोमेन 3 में थायोस्ट्रेज एक्टिविटी होती है यहाँ पे रिएक्शन के रूप में। ये यहाँ पे बता रखा है इसने कि भाई रिडक्शन, ठीक है ना, ये ट्रांसलेशन, ये कंडेंसेशन, और यहाँ पे सब स्ट्रेज जो एंट्री होती है इसकी। यहाँ पे फैटी एसिड जो इलोंगेशन है डीनेचुरेशन है उसके बारे में बताया हुआ है। जो कॉमन इसमें प्रोडक्ट बनता है फैटी एसिड का सिंथेसिस होने के बाद वो पाल्मिटेट बनता है 16:0। सेल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं बहुत सारे फैटी एसिड यहाँ पे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके बाद जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे इलोंगेशन की वो एक जैसी होती है जो हमने पहले देखी थी फैटी एसिड सिंथेसिस में, वहाँ पे न्यू कार्बन जो हैं वो एडिड हो जाते हैं मोलाइल COA में, वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ये कंट्रोल है यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल कौन करता है, जो एसिटल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे हमारी फैटी एसिड के सिंथेसिस में और रेगुलेशन में और डिग्रेडेशन में। जो कार्बोक्सिलेज होता है वो कंट्रोल होता है हमारे हॉर्मोन्स के द्वारा, उन हॉर्मोन्स के नाम है ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन और इंसुलिन। अनदर जो रेगुलेटरी फैक्टर होते हैं साइट्रेट पाल्मिटोइल COA एंड AMP, ये इसको कंट्रोल करते हैं हमें कब यूज़ करना कब यूज़ नहीं करना है। ये ग्लोबल रेगुलेशन होता है यहाँ पे। इस कैरियर आउट बाय द मींस द रिवर्सेबल फॉस्फोराइडेशन, तो यानी कि यहाँ पर इसका फॉस्फोराइडेशन होगा, एसिटाइल COA जो कार्बोक्सिलेज होगा वो वहाँ पे स्विच हो जाएगा, बंद हो जाएगा फॉस्फोराइडेशन जब हमारा एक्टिवेट होगा। इंसुलिन जो है स्टिमेट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के द्वारा, और कॉजिंग होता है इसका डी फॉस्फोराइडेशन ऑफ कार्बोक्सिलेज। ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन जो यहाँ पे एंजाइम होते हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो पड़ता है हमारे कार्बोक्सी जो हमारे इनएक्टिवेट फॉस्फोराइडेशन सिस्टम में इसका इफेक्ट होता है। जो प्रोटीन काइनेज होता है वो एक्टिवेट करता है AMP और इनहिबिट करता है ATP को, और कार्बोक्सिलेज जो होता है वो इनएक्टिवेट करता है जब एनर्जी चार्ज हमारा लो हो जाता है, और उसके बाद जो है हमें इससे एनर्जी फिर यहाँ से फैटी एसिड से मिलती है। इसका लोकल रेगुलेशन कैसे होता है, एसिटल जो कोएंजाइम होता है कार्बोक्सिलेज
ओलोस्टेटली स्टिमुलेट होता है साइट्रेट के द्वारा, और इसका जो लेवल है साइट्रेट का वो हाई कंसंट्रेशन में होता है, और जो एटीपी है इसकी में इसमें यूज हो जाता है और बहुत मात्रा में यूज होता है। और जो पाल्मिटोल जो को सीओ है वो इनहिबिट्स करता है कार्बोक्सीलेज को। यहाँ पे इसका रेस्पॉन्स क्या होता है डाइट का, जो फीड स्टेट है इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, इनहिबिट करता है हाइड्रोलाइज को स्टोर जो हमारा टीजी है ट्राइग्लिसराइड होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं जो हमारा मोनाइल सीओ एंजाइम है, जो कि हमारे यहाँ पे क्रेटिनिन जो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। फैटी एसिड रिमेन जो साइटोसोल में होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद जो है वहाँ पे उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्टारवेशन जब भूखमरी खाना नहीं होगा तो एपिनफायरिन ग्लूकागोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, एक तरह से अपने रिएक्शन को वहाँ पे बनाते हैं इंक्रीज करते हैं एडिपोज टिश्यू में लाइपेज के द्वारा, और फ्री फैटी एसिड जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। इनएक्टिवेट होते हैं कार्बोक्सिलेज जो हमारे डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ मोनाइल सीओए के द्वारा, और जो फैटी एसिड हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो उसको एक्टिवेट करके हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ टीजी, टीजी मतलब ट्राइग्लिसराइड, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, और जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड होता है GPL बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं बाहर से लेते हैं, जिसका रिडक्शन होता है डाईहाइड्रो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के रूप में, ये प्राइमरी रूप होता है इसका, और इसके बाद फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का, इसका वो लेसर एक्सटेंट होता है। और ये इसमें डायग्रामेटिक जो है रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे ये दिया है, और यहाँ पे ग्लिसरॉल और 3-फॉस्फेट जो है वो बन जाता है। ये फॉस्फेटाइडेट का यहाँ पे बता रखा है कि जो एसाइल ट्रांसफरेज है एटी ये कैटालेज करता है, और एसिलाइन के द्वारा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन जाता है, और इस फर्स्ट स्टेज पे जो है एस्टिफिकेशन होता है यहाँ पे एट C1 कार्बन 1 कंडीशन पे, और इसके बाद में फिर यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है बन जाता है। सेकेंड स्टेज पे क्या होता है, एस्टिफिकेशन होता है CO2 कार्बन 2 का, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ये इसमें फॉस्फोपैटिक एसिड जिसको फॉस्फेट बोलते हैं, एक ये कॉमन इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे इसका होता है, जो कि सिंथेसिस करता है TG और GPL को, यहाँ पे ये प्रोडक्शन करने का यहाँ पे काम करता है। ये सिंथेसिस है टीजी का नेचुरल जो हमारा इसमें फॉस्फोलिपिड होता है, कैसे बनता है ट्राईएसिलिक ग्लिसरॉल फॉस्फेटाइकोलिन और फॉस्फेटाइड और एथेनामाइन, ये यहाँ पे बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ टीजी, यहाँ टीजी बता रखा है कि डाईएसाइल ग्लिसरॉल कैन बी एसाइलेटेड द ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यू एंड लीवर, यानी कि लीवर में और एडिपोज टिश्यू में बनता है। इसमें जो एंजाइम होता है वो एसाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स उसका कैसा होता है, CDP जो होता है कोलिन, और CDP जो हमारा इसमें इथेनोलाइमिन जो होता है वो CTP फॉर्म के द्वारा रिएक्शन के द्वारा होता है, और यहाँ पर ये पूरा डायग्रामेटिक जो है यहाँ पे रिएक्शन में बताया हुआ है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है हमारे सेल के अंदर। ये रिएक्शंस हैं यहाँ पे डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और इसके बाद में जो हमारा नीचे बनेगा फॉस्फेटाइकोलिन, ये बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये सिंथेसिस है हमारा एसिडिक फॉस्फोलिपिड का कैसे होता है, वो डाइमेरिटिव यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। 1, 2, 4, 5 थायोफॉस्फेट इसमें रिएक्शन में बनता है। ये सारा जो हमारा है मेटाबॉलिज्म लिपिड्स का, कैसे कैसे हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं वो बनते हैं, जो इसमें इंटरकार्बनजेशन होता है फॉस्फेटाइडिसिलेमोल एमाइन टू फॉस्फेटाइडिसिलिन का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। थैंक यू बच्चों, ये हमने आपको बताया है लिपिड मेटाबॉलिज्म, कि लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कैसा होता है, और हमारी बॉडी में फैट का फंक्शन क्या होता है, और इसका जो है वो कितने टाइप से जो हमारे फैट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। थैंक यू बच्चों।